Yes, good morning. This is Anjay here. Let's view English phrases used in speaking. Guys and girls, assalamu alaikum. आइए आज हम English बोलचाल में इस्तेमाल होने वाले जुमलों को देखते हैं और भरपूर तरीके से इन्हें बोलने की प्रैक्टिस करते हैं. Let's have a look on the whiteboard here. First one is a friend called me up. A friend called me up. एक दोस्त ने मुझे फोन किया. A friend called me up. A friend called me up. एक दोस्त ने मुझे फोन किया. Call plus. Call plus phrasal verbs हैं. Call plus and call negative phrasal verbs हैं. और ये बोलचाल में guys and girls and viewers इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है. खूबसूरत जुमला आपने देखा. अ फ्रेंड कॉल्ड मी अप. अ फ्रेंड कॉल्ड मी अप. एक दोस्त ने मुझे फोन किया. आइए अगला जुमला देखते हैं. नेक्स्ट वन इज आई कॉल्ड हर बैक लेटर. आई कॉल्ड हर बैक लेटर. आई कॉल्ड हर बैक लेटर. मैंने उसे बाद में फोन किया. आई कॉल्ड हर बैक लेटर. मैंने उसे बाद में फोन किया. तो दूसरा जुमला आपने देखा. आई कॉल्ड हर बैक लेटर. आई वॉज बिजी. उस वक्त मैं बिजी था तो मैंने आई कॉल्ड हर बैक लेटर. मैंने उसे बाद में बादजा मैंने उसे फोन किया. आइए अगला जुमला देखते हैं. नेक्स्ट वन इज वी कॉल्ड एट द प्रीमियर. 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 हम पीएम से मिलने गए. वी कॉल्ड एट द प्रीमियम. हम प्राइम मिनिस्टर से मिलने गए. वी कॉल्ड एट द प्रीमियम. हम प्राइम मिनिस्टर से मिलने गए. डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इट्स वेरी कॉमन के लोग अपने मसाइल के हवाले से, अपने प्रॉब्लम्स के हवाले से, अपने इश्यूज के हवाले से बड़े पैमाने पर एट अ लार्ज स्केल प्राइम मिनिस्टर साहब से या सीएम साहब से मुलाकात करते हैं. उसी सिलसिले में ये जुमला है. वी कॉल्ड एट द प्रीमियर. वी कॉल्ड एट द प्रीमियर. हम प्राइम मिनिस्टर से मिलने गए. अगला जुमला देखिए. नेक्स्ट वन इज दे कॉल्ड इन द डॉक्टर. दे कॉल्ड इन द डॉक्टर. दे कॉल्ड इन द डॉक्टर. उन्होंने डॉक्टर को घर बुलवाया. दे कॉल्ड इन द डॉक्टर. उन्होंने डॉक्टर को घर बुलवाया. कॉल इन घर पे बुलवाना. कॉल इन द डॉक्टर. उन्होंने डॉक्टर को घर पे बुलवाया. इतना ही खूबसूरत फ्रेज है. दे कॉल्ड इन द डॉक्टर. उन्होंने डॉक्टर को घर पर बुलवाया. एंड नेक्स्ट वन इज ही कॉल्ड ऑफ द मीटिंग. ही कॉल्ड ऑफ द मीटिंग. उसने इजलास मुलतवी कर दिया. ही कॉल्ड ऑफ द मीटिंग. उसने इजलास मुलतवी कर दिया. कॉल ऑफ फ्रेजल वर्ब है. इसके माने मुलतवी करना के लिए जाते हैं. ही कॉल्ड ऑफ द मीटिंग. उसने इजलास मुलतवी कर दिया. आइए अगला फ्रेज देखते हैं. शी कॉल्ड फॉर हाई पे. शी कॉल्ड फॉर हाई पे. शी कॉल्ड फॉर हाई पे. उसने बड़ी उजरत का मुतालबा किया. शी कॉल्ड फॉर हाई पे. उसने बड़ी उजरत का मुतालबा किया. शी कॉल्ड फॉर हाई पे. शी कॉल्ड फॉर हाई पे. उसने बड़ी उजरत का मुतालबा किया. कॉल फॉर होता है डिमांड करना, मुतालबा करना. शी कॉल्ड फॉर हाई पे. उसने बड़ी उजरत का, ज़्यादा से ज़्यादा उजरत का, मुआवजे का मुतालबा किया. इतना ही खूबसूरत जुमला है. नेक्स्ट वन इज ही वॉज कैलस किंग. ही वॉज अ 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 कैलस किंग. वो एक बेरहम बादशाह था. ही वॉज अ कैलस किंग. वो एक बेरहम बादशाह था. कैलस. कैलस कॉल से ये बना है. एडजेक्टिव है. कैलस. कैलस बेरहम, जालिम, क्रूअल, अनमर्सीफुल. ही वॉज अ कैलस किंग. वो एक बेरहम बादशाह था. ही वॉज अ कैलस पर्सन. वो एक बेरहम शख्स था. तो ये इंतहाई मारूफ वर्ड है. स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल होता है. आइए अगला जुमला देखते हैं. जॉन कैंट कॉलिंस. जॉन कैंट कॉलिंस. जॉन कैंट कॉलिंस. जॉन कैंट कॉलिंस. जॉन कैंट कॉलिंस.
जॉन कांट कॉल नेम्स, जॉन कैंट कॉल नेम्स, जॉन बुरा भला नहीं कह सकता, जॉन कांट कॉल नेम्स, जॉन कैंट कॉल नेम्स बुरा भला कहना, दूसरों को बुरा भला कहना, तो जॉन कांट कॉल नेम्स, ये कॉल नेगेटिव सेंस में है, कॉल नेगेटिव, जॉन कांट कॉल नेम्स, तो ये नेगेटिव है, जॉन बुरा भला नहीं कह सकता। गाइज एंड गर्ल्स, इंतहाई मारूफ फ्रेजेस हैं। लेट्स हैव अ से वंस अगेन, आइए दोबारा से दोहराते हैं। अ फ्रेंड कॉल्ड मी अप, अ फ्रेंड कॉल्ड मी अप, अ फ्रेंड कॉल्ड मी अप, एक दोस्त ने मुझे फोन किया, कॉल अप, फोन करना, कॉल अप के मानी है फोन करना। नेक्स्ट वन इज ही कॉल्ड हर बैक लेटर, आई कॉल्ड हर बैक लेटर, ही कॉल्ड हर बैक लेटर, उसने उसे बाद में फोन किया, I called her back later. मैंने उसे बाद में फोन किया। Call back, वापसी जवाब देना। Call back, वापसी जवाब देना। ये मानों में लिया जाता है। खूबसूरत phrasal verb है। Next one is, we called at the premier. We called at the premier. हम PM से मिलने गए। Call at, खूबसूरत phrasal verb है। Call at के मानी लिए जाते हैं किसी से मिलने जाना। किसी से मिलने उसके हाँ उसके दफ्तर उसके जहाँ पे रेजिडेंस है रेजिडेंसी पे उससे मिलने जाना। कॉल एट किसी से खुद मिलने जाना। वी कॉल्ड एट द प्रीमियर, हम पीएम से मिलने गए। नेक्स्ट इज दे कॉल्ड इन द डॉक्टर, दे कॉल्ड इन द डॉक्टर, उन्होंने डॉक्टर को घर पर बुलवाया। एंड नेक्स्ट इज ही कॉल्ड ऑफ द मीटिंग, ही कॉल्ड ऑफ द मीटिंग, उसने इजलास मुलतवी कर दिया। And next is she called for high pay. She called for high pay. उसने बड़ी उजरत का मुतालबा किया। And next is he was a callous king. He was a callous king. वो एक बेरहम बादशाह था। And last one is John can't call names. John can't call names. John can't call names. John बुरा भला नहीं कह सकता। Hey you guys, make a good practice with these phrases. Doing so, you would be able to speak a good English. See you again. Goodbye.